गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम दीपक सोनी, आई एम योर फिजिक्स टीचर. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 1 इज एरर इन मेजरमेंट. ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का जो सी पार्ट है उसमें देखेंगे कि एरर ऑफ मेजरमेंट क्या होता है. ठीक है, इसके पहले हम लोग जब एरर इन मेजरमेंट में जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का कि क्या होता है. तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स आती है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होते हैं. ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ टू क्लोज द मेजर वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. मीन्स क्या होता है, जो एक्यूरेसी क्या होती है, जब भी हम लोग किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं और अगर उसकी वैल्यू जो होती है वो किसके सिमिलर आ जाती है या फिर क्लोजर टू यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू है या वो रियल वैल्यू होती है उसकी अगर क्लोजर आती है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, एक्यूरेसी बोल देते हैं. मींस उसमें मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्यूरेसी बोल देते हैं. एंड प्रिसीजन क्या होता है, तो प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ एक्जैक्टनेस ऑफ द रिफाइनमेंट ऑफ द मेजरमेंट. जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं अगर उसमें एक्सप्रेक्शन मीन्स एग्जैक्ट और रिफाइनमेंट मीन्स बहुत ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, बिल्कुल एकदम क्लोजर टू ट्रू वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रिसीजन बोल देते हैं. ठीक है, अब प्रिसीजन जो होता है वो डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट, मीन्स लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, और सिमिलर द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ग्रेटर द प्रिसीजन, मीन्स जिसका लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, अगर हम लोग लीस्ट काउंट से उसको मेजर करते हैं तो क्या हो जाता है, उस ग्रेटर द प्रिसीजन, तो प्रिसीजन की वैल्यू बढ़ जाती है. तो यहां से समझ में आता है कि जो प्रिसीजन होता है वो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एरर इन मेजरमेंट की, बात कर लेते हैं कि एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में कौन कौन सी एरर होती है. और सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि एरर क्या होती है. ठीक है, तो द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू, जो हमारी ट्रू वैल्यू और जो मेजर वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, जो भी उसकी फिजिकल क्वांटिटी होती है बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ट्रू वैल्यू एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मेजर्ड वैल्यू, उसके बीच के जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे एरर बोल देते हैं. ठीक है, तो एरर ऑफ मेजरमेंट, इसी एरर को हमको क्या करना होता है, मेजर करना होता है. तो यहाँ पे अगर देखें कि एरर इन मेजरमेंट क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एरर हमको निकालना है, तो एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट या फिर मेजर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू या फिर मेजर वैल्यू. ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू. ठीक है, तो ट्रू वैल्यू में से अगर हम लोग ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस कर देते हैं या फिर मेजर वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है यहाँ पे, ये आ जाती है हमारी एरर इन मेजरमेंट. ठीक है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर. ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर में क्या होता था, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. इसको हमने क्या, एरर को थ्री टाइप्स में क्लासिफाइड कर दिया. फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर. सेकंड हमारी जो है वो है हमारी रैंडम एरर, रैंडम एरर. नंबर थर्ड है ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर. ठीक है, यहां हमारी तीन टाइप की जो एरर होती है वो होती है सिस्टमैटिक एरर,
नंबर सेकंड इज रैंडम एरर और नंबर थर्ड इज ग्रॉस एरर। तो अभी आज हम लोग इस टॉपिक में ओनली सिस्टमैटिक एरर के बारे में देखेंगे कि सिस्टमैटिक एरर कौन सी होती है और इसके अंदर कौन कौन से और अनदर इसके जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है सिस्टमैटिक एरर। द एरर हूज कॉज आर नोन मीन्स जो एरर होती है उसकी वैल्यू हमको क्या होती है पहले से पता होती है आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। मीन्स अगर कोई सिस्टम है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है, अगर उसमें पहले से ही कोई एरर है मीन्स उसमें ही कोई खराबी है, सिस्टम में ही कोई खराबी है। ठीक है, जैसे मान के चलो हम कोई बल्ब मार्केट से लेके आए और मार्केट से कोई बल्ब लाए या कोई डिवाइस खरीद के लेके आए, जैसे कि मान के चलो फ्रिज कूलर एसी कुछ भी लेके आते हैं और वो पहले से ही खराब, तो ये इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिस्टमैटिक एरर बोल देंगे। ठीक है, दीज एरर ऑकर ओनली इन वन डायरेक्शन। ये जो एरर होती है वो ओनली वन डायरेक्शन में ही ऑकर होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी या नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। सच एरर आर कॉल्ड कैन बी मिनिमाइज, इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर इसको कम कर सकते हैं। अब हमारी जो सिस्टमैटिक एरर होती है वो हमारी कितने टाइप्स में होती है, तो सिस्टमैटिक एरर जो होगी वो हमारी डिवाइडेड होती है टू टाइप्स में। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर आर डिस्कस बिलो। नंबर फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, और नंबर सेकंड होती है यहां पे जीरो एरर। ठीक है, तो यहां पे हमारी दो टाइप की एरर होती है, एक सिस्टमेट में इंस्ट्रूमेंटल एरर और सेकंड वन होती है जीरो एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या है, दिस इज ड्यू टू द फॉल्टी डिजाइन ऑफ द मेजरमेंट। मीन अगर कोई हमने सिस्टम डिजाइन किया और वो पहले से ही फॉल्ट आ गया उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गैल्वेनोमीटर अगर डिजाइन किया तो गैल्वेनोमीटर के अंदर ही क्या आ गए, कोई भी उसकी पहले से ही कुछ खराबी रही, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। मीन जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वही इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाए, एरर आ जाए, तो हमको इसको क्या बोल देंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोल देंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल में भी, अब इंस्ट्रूमेंटल एरर को भी हमने क्या कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर को हमने किसमें क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है, याद रखना ये जो हमारी इसके अंदर जो पहली एरर थी वो थी इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, और इसका भी पार्ट ए है जो वो है जीरो एरर। ठीक है, मींस यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग कि जो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर भी क्या होती है, जीरो एरर आती है। जीरो एरर क्या है, इन द जैसे वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया, फेरो मीटर हो गया, द इनिशियल वैल्यू इज जीरो। अगर मान के चलो द जीरो ऑफ द स्केल एंड वर्नियर स्केल शुड बी कॉन्साइड, अगर वो कॉन्साइड होते हैं तो दे डू नॉट कॉन्साइड, दे आर जीरो एरर। मीन्स अगर वर्नियर कैलिपर्स की बात करें और अगर हम लोग सर्कुलर स्केल की बात करें, तो अगर दोनों क्या हो जाते हैं एक ही, उनके बीच में क्या होगा, अगर कोई भी दोनों एक दूसरे पर कॉन्साइड्स होते हैं, मीन दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं अगर दोनों स्केल, तो उसमें क्या होगी, जीरो एरर ऑकर होती है। तो जैसे कि हम बात करें फॉर रिमूवल ऑफ दिस एरर, जीरो एरर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्व वैल्यू आती है उससे हम लोग जीरो को माइनस कर देते हैं, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे हमारी रीडिंग आ जाती है। ठीक है, या फिर मेजर वैल्यू आ जाती है। उसके बाद क्या होती है, लीस्ट काउंट एरर, इसी में जो सेकंड है वो लीस्ट काउंट एरर होती है। ठीक है, सेकंड जो है वो है लीस्ट काउंट एरर। अब लीस्ट काउंट एरर क्या होगी, द एरर विच आर अराइज ड्यू टू डेफिनेट और फिक्स लीस्ट काउंट, डेफिनेट और फिक्स लीस्ट अमाउंट से जो भी अगर एरर ऑकर होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लीस्ट काउंट एरर बोल देते हैं। ठीक है, तो लीस्ट काउंट एरर इसको हम लोग बोल देते हैं। उसके बाद एक होती है कॉन्स्टेंट एरर, तो टेकिंग द एरर रिमेन द सेम सच द एरर इज ऑकर इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट एरर। मीन जो की वैल्यू फिक्स होती है, जिस एरर की वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्स्टेंट एरर बोल देते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब डू नॉट चेंज। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी और भी एरर आती है, जैसे पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, और एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन की वजह से भी एरर आती है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि पर्सनल एरर क्या होती है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, ये भी डिस्कस करेंगे, और रैंडम एरर क्या होती है एज वेल एज ग्रॉस एरर क्या होती है, इनको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेस क्लास, एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।